भारत माता की जो उत्साही साथी हैं उनसे मेरी भारत माता की जो उत्साही साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। आपका आपका ये उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, कृपा करके बैठिए। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मेरी सबसे प्रार्थना है भले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठेंगे तो अच्छा होगा। इधर इधर से मेरे साथियों से आग्रह है, आप यहां सुनाई देता है मेरी बात, सुनाई देती है? जरा प्रबंधक उस तरफ देखे भाई, जगह नहीं है तो कृपा करके आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और आज मैं, कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला, कल दोपहर के से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला, मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी
समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। ये दो दिन भी जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली हर बातें हुई है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए, प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देशभर के कार्यकर्ताओं को भी नड्डा जी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में है, हम सभी शोक में हैं, और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है, और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे, उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा, और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं, जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना। उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। Zee News।